दूसरे दिन किसानों की भूख हड़ताल शुरू। कई दलों ने भी किया समर्थन। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसान। देश भर में किसान करेंगे आज अखबार। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे सिंचाई परियोजना का शुभारंभ। दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम। जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे करेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत। अब यूरोपेट से करेंगे बीमार सरकारी अस्पतालों का इलाज। सरकार बना रही मेडिकल डिग्री वाले आईएएस आईपीएस के लिस्ट। हमीदिया में 3 मौतों के बाद अधिकारियों को मैनेजमेंट सौंपने की तैयारी शुरू। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा को देंगे 574 करोड़ की लागत के 101 विकास कार्यों की सौगात। अंबिकापुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। जनसभा को करेंगे संबोधित। और इंदौर में एंटी माफिया के खिलाफ अभियान जारी। खजराना बाढ़ गंगा क्षेत्र में नशे के सौदागरों के तोड़े अवैध निर्माण। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जहां आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे यानी कि थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं इस दौरान जहां टीटी नगर में ये शिविर का आयोजन किया गया है। आपको इसके साथ ही बताते चले कि प्रशिक्षणार्थियों के तौर पर शामिल होंगे। नर्मदा भवन में कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज सुबह 11 बजे यानी कि ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है बीजेपी का। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गीत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार भी यहां मौजूद है स्टूडियो में। गीत जी, इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे संक्षिप्त में। देखिए ऋतु, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था जिसमें वीडी शर्मा अध्यक्ष ने बतौर सारी जानकारियां दी थी और उसी आधार पर मंडल स्तर पर वो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए हैं। उसी के तहत पिछले दिनों वीडी शर्मा खुद एक प्रशिक्षणार्थी के तौर पर शामिल हो चुके हैं। अब उसी की तरह शिवराज जी भी वहाँ शामिल हो रहे हैं टीटी नगर में जो हो रहा है। इसमें एक तरह से ये कवायद मानी जा रही है कि जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उसको लेकर मंडल स्तर तक जाकर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाह रही है कि अब चुनावी रण में अपने को कैसे लड़ना है और आगे के उनके क्या कार्यक्रम रहेंगे उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। और ये कवायद की जा रही है कि जो नए कांग्रेस से जो चल के जो भाजपा के भाजपा में दल में शामिल हुए हैं उस आधार पर ये तय हो रहा है कि उनको भी भाजपा की रीति नीति के बारे में पता लग सके। ऋतु बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर शामिल हैं और किस तरह कार्यकर्ताओं को यहां जानकारी दे रहे हैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर यही थी भोपाल से। अब रुक करते हैं अगली खबर का जहां कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज से भूख हड़ताल पर है। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। दिल्ली के आपको बता दें कि नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज भी अनशन पर बैठे हैं। वहीं किसानों के हक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास की घोषणा की है। उधर सरकार अब किसानों ने एक बार फिर बातचीत की तैयारी में है जहां देश के सभी जिलों में किसान आज भूख हड़ताल करेंगे और स्थानीय प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। गीत जी, छोटा सा सवाल यही कि किसान क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार पर? देखिए ऋतु, ये जो गतिरोध है निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि सरकार अपनी बात कह चुकी है लेकिन किसान उसको मानने तैयार नहीं। इसमें सीधे तौर पर बात यह है कि जो किसान संगठन के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि MSP पर बात होना चाहिए। MSP के बारे में बहुत स्पष्ट कानून में जिक्र होना चाहिए इसका। इसको लेके आंदोलन चल रहा है लेकिन वहीं सरकार इस बात की पैरवी कर रही है कि इसमें कहीं किसानों को नुकसान नहीं होगा, इसमें कहीं किसानों को भ्रम नहीं होने। साथ ही भाजपा के कई आला नेता इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन में किसान को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों ने जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया है इस कारण मुझे लगता है संवादहीनता के कारण ये बात नहीं बन पा रही है। आज जैसे वो उपास पर बैठे हैं, कल उन्होंने जिस तरह से जाम किया था, ये सारा गतिरोध खत्म करने के लिए या तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब या तो न्यायालय बीच में दखल करे क्योंकि बात बनती तो नजर नहीं आ रही। ऋतु, हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुराग पटेलिया जी भी जुड़ गए हैं। सर, आज 19वां दिन, कब बनेगी बात?
पटेरी जो आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। गीत जो, तब तक आप ही के पास यही सवाल कि आज 19वां दिन किसान आंदोलन का कब बनेगी बात? देखिए, बात बनने की, वही मैंने कहा ना कि बात तब भी बन सकती है कि अगर जैसे अमित शाह ने एक संदेश भिजवाया था कि आप 12-13 लोग आके एक बार फिर बात कर लीजिए, कानून में संशोधन जितने होने थे वो कर चुके हैं, लेकिन किसान जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि MSP का जिक्र कानून में होना चाहिए और उसमें एक दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। बस बात इतनी सी है, इतनी सी बात को लेकर ये 19 दिन हो चुके हैं और अभी भी किसान अपनी बात पर अड़े हैं। वो ये एक ही बात कह रहे हैं लगातार, राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि या तो सरकार पीछे हटे या जो है वो हम तभी वहाँ खेतों में जा पाएंगे। जिस तरह से सुशर्जी ने भी यहाँ पे जिक्र किया और ऐसे में 19 छठवें दौर की बातचीत हो चुकी है, आज यहाँ आंदोलन, ऐसे में देखा जा रहा है जैसे सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहाँ मैदान में कूदे हैं और उन्होंने भी उपवास रखा, जिसको लेकर अब लगातार जो विपक्षी दल है वो इसे नौटंकी बता रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के। क्या कुछ लगता है कि सियासत से यहाँ सूरत बदलती हुई नजर आएगी? सियासत से कभी सूरत नहीं बदलती है रितु, सियासत से चीज़ें बिगड़ती हैं। किसान माटी पुत्र की जो मांग है उस मांग को सरकार को तय करना है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि राजनीति से समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या के समाधान के लिए ज़मीनी हकीकत पर बात होनी पड़ेगी। वो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि अगर सरकार चाहेगी और किसान संगठन चाहेंगे तो संवाद अगर दोनों को आता और दोनों एक दूसरे के संवाद सुनते हैं, कहीं समाधान निकालने की कोई गुंजाइश रहती है तो मुझे लगता है समाधान निकल पाएगा। लेकिन अगर दोनों ही अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे तो ये आंदोलन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। मैंने फिर वही बात कल की तरह दोहराऊंगा, अगर ये आंदोलन निरंतर बढ़ता रहा तो आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा, क्योंकि अगर फसलों का नुकसान होगा, किसी ने अभी तक बुआई नहीं करी है, किसान खेत पे नहीं गए, तो आमद कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध किया जा रहा है, किसान आज से भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकला है, ऐसे में किसानों का प्रदर्शन यहाँ तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम भी चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं किसान के हक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास की घोषणा की, लेकिन विपक्षी दल अब यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल के उपवास को नाटक बता रहा है, ढोंग बता रहा है। उधर सरकार अब किसानों से एक बार फिर बातचीत करने के लिए यहां तैयारी में लग गई है, तो वहीं देश के सभी जिलों में किसान आज भूख हड़ताल करेंगे और स्थानीय प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां एक तरफ नए कृषि कानूनों को लेकर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सुविधाओं पर फोकस कर रही है। प्रदेश में किसान और राइस मिल के बीच भुगतान को लेकर होने वाले विवादों का निराकरण करने के लिए सुलहा बोर्ड का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार, एसडीओ के साथ किसान और राइस मिल संचालक सदस्य रहेंगे। यहां बोर्ड नए कृषि कानून के तहत बनाया जा रहा है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बालाघाट SDM ने लॉन्ड्री के किसान के शिकायत पर पलक राइस मिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जहां नए कानून के तहत ये दूसरा मामला है जिसमें राइस मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इससे पहले होशंगाबाद के किसानों की धान खरीदने का एग्रीमेंट करने के बावजूद दिल्ली की एक कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए थे, जब सरकार एक्शन मोड में नजर आए तो कंपनी किसानों से धान खरीदने के लिए राजी हो गई। और ऐसे में अगर गीजू देखा जाए कि लगातार जो किसान आंदोलन भी हो रहा है और शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। देखिए रितु, ये बात वही है कि देखिए आप जो जिस तरह का आपने पलक राइस मिल की जो घटना बताई है और होशंगाबाद की जो बात बताई, प्राइवेट कंपनी जो माल नहीं खरीदी थी MSP के आधार पर, अगर आप एग्रीमेंट में जो होता है अगर उस आधार पर अगर आप माल नहीं खरीद रहे हैं, किसान का अगर धान नहीं खरीद रहे हैं, तो इसमें नुकसान उसका होता है और इसी कारण आंदोलन की गतिविधि तेज हो जाती है। लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं हैं। ऐसा हालात सामने आते ही CM शिवराज ने सख्ती के निर्देश दिए और वहाँ पर तत्काल फैसला हो गया। अगर ऐसी निगरानी चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ऐसे हालात बनेंगे, क्योंकि ऐसे हालात बनते हैं तो किसान परेशान होता है। इसमें एक चीज़ और मॉनिटरिंग की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो कम से कम गंभीरता बरतें, इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि किसान और व्यापारी के बीच में वो ही एक मध्यस्थ हैं जो इस पर निगरानी रख सकते हैं। निगरानी रखने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि इसमें बिचौलिए परेशान नहीं करेंगे।
बिल्कुल है, और ऐसे मामलों का निराकरण करने के लिए अब सरकार सुलह बोर्ड जो गठित कर रही है, इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है किसानों को काफी यहाँ फायदा होता हुआ नजर आएगा और बिचौलियों से उनको किसी भी तरह की जो परेशानी होती थी उससे निजात यहाँ मिल सकेगा। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहाँ आपको बता दें कि इंदौर में महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी के खेमे से जहाँ विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता और गोपी कृष्ण नेमा प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और प्रदेश प्रवक्ता पूर्व सीएम कमलनाथ के खास नरेंद्र सलूजा के नाम भी चल रहे हैं। वहीं आम सहमति बनने पर जीतू पटवारी का नाम भी यहां शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव में अभी बीजेपी का कब्जा है, वहीं ग्वालियर में महापौर पद के लिए दिग्गजों ने अपनी पत्नियों के नाम भी आगे बढ़ा दिए हैं। यहाँ सामान्य महिला के लिए आरक्षित है ये सीट जहाँ महापौर का पद होना है, और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी की ओबीसी नेत्रियों की इस सीट पर खासी नजर बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ग्वालियर महापौर पद पर पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। गीत्री नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। बात महापौर के पद की जाए तो लगातार यहाँ कई चेहरे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ ऐसे में नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो पार्टी गाइडलाइन तय करती है ऋतु। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर में जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी करेंगे, दावेदारी करना उनका दायित्व भी है, लेकिन आखिर पार्टी के मुखिया, मतलब दोनों ही पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे, संगठन तय करता है कि आखिर चुनाव किसको लड़ाया जाए। ग्वालियर और इंदौर की जहाँ तक बात है, इंदौर में ये माहौल ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि इंदौर में नेताओं की संख्या बहुत है, इसलिए वहाँ यह हलचल तेज हुई है। और ग्वालियर के भी हालात यही हैं। अभी देखिए आप, भोपाल में ऐसी कोई अभी नहीं है, लेकिन सांगठनिक तौर पर मंथन होना शुरू हो गया कि आखिर चुनाव किसको लड़ाया जाएगा, इस पर चर्चा होती रहती है ऋतु। इसलिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता सचिन शर्मा भी जुड़ गए हैं। सचिन, महापौर पद के लिए यहाँ पर कई चेहरे सामने आ रहे हैं इंदौर से, फिलहाल किस तरह की ज्यादा जानकारी? तरह से भोपाल में बैठक आयोजित की गई थी, वार्ड परिक्रमण हुआ था, वार्डों को लेकर मंथन हुआ था, जिसके चलते इंदौर में 85 वार्ड हैं। इसके पहले की बात करें तो 69 वार्ड यहां पर इंदौर शहर में हुआ करते थे, उसी पर निकाय चुनाव होता था, लेकिन उसके बाद निगम ने यहां पर 29 जो ग्रामीण वार्ड थे उनको भी यहाँ पर जोड़ा, तो नए तरीके से परिक्रमण हुआ, तो कुल मिलाकर 85 वार्ड इंदौर में हो चुके थे। जिसके बाद अब काफी समय हो गया, चुनाव अब तक हो जाने थे, लेकिन कोविड के चलते और कई चुनाव दौरे के चलते, उपचुनाव के चलते ये निकाय चुनाव कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अब जिस तरह से जो संगठन की ओर से, कांग्रेस संगठन की ओर से जिस तरह से अब निकाय चुनाव होने की बात हो रही है, तो दोनों ही दल के दावेदारों ने अपनी राजनीतिक सक्रियता अब पूरे क्षेत्रों में बढ़ा दी है। अलग अलग बूथ स्तर पर यहाँ पर बैठकें आयोजित की जा रही है। हालांकि किसको टिकट मिलेगा उसको लेकर भी यहाँ के जो दावेदार हैं भोपाल के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर तेज हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से दावेदार हैं, किसको यहाँ पर टिकट मिलता है और कौन अछूता रहता है या कौन पार्टी से बगावत कर निर्दलीय लड़ता है। हालांकि महापौर की बात करें तो महापौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश मंडोला, मधुकर वर्मा, इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, जो जिनको यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है और जो लंबी दौड़ भी रहे, प्रथम लाइन में उन्हीं का नाम है। वहीं कांग्रेस की ओर से अर्चना जायसवाल भी हैं, संजय शुक्ला भी हैं, हालांकि संजय शुक्ला के यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे थे विवाह समारोह में शामिल होने के बाद, लेकिन उसी विवाह दौरान उन्होंने कुछ इशारा किया, उसके बाद उनकी सक्रियता क्षेत्र में और बढ़ गई है, तो महापौर पद के लिए भी अब यहाँ पर इंदौर शहर से दावेदारी कर सकते हैं। बिल्कुल सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, टीएन मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीएनएन में। आपसे ग्वालियर की तस्वीर, नगर निकाय चुनाव जिस तरह से आगाज हो चुका है, किस तरह से ग्वालियर की तस्वीर यहाँ साफ होती हुई नजर आ रही है, आपसे जानेंगे। देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में इस बार जो है महापौर चुनाव को लेकर के महिला सामान्य कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सक्रिय नेता है संगठन में, वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और इस कैंपेनिंग का अभी कोई नतीजा निकल नहीं पाया है, क्योंकि संगठन के आला नेता जो हैं वो इस समय किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं उलझे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात
सामने नहीं आ रही है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने बायोडाटा है। और अगर मैं इसमें पार्षदी की बात करूं तो ग्वालियर में 66 वार्ड है जिसमें करीब 400 से ऊपर नाम अब तक शहर जिला अध्यक्ष जो है कमल माकिजानी उनके सामने पहुंच चुके हैं और लगातार लोग अपनी अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपने अपनी मजबूती बता रहे हैं और उनके अपने दावे हैं। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय महापौर के चयन को लेकर के रायशुमारी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय सक्रिय तौर पर सामने आ चुके हैं तो ये बात भी तय है कि सिंधिया खेमे से भी कुछ नाम जरूर पहुंचेंगे। मनीष जी इसी में एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, क्या नेपथ्य में जा चुकी या चल रही चुनाव हार चुकी माया सिंह का नाम भी सामने आ सकता है? देखिए माया सिंह जी को लेकर के जहां तक बात है तो यहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं और यहाँ के जो संगठन के कद्दावर हैं उनका ये कहना है कि माया सिंह जिनको माई के नाम से पूरा अंचल जानता है, जिस तरह से वो नगरीय प्रशासन मंत्री रही हैं तो अब वो एक तरह से गवर्नर प्रोडक्ट है, उनको राज्यपाल या उपराज्यपाल के तौर पर पार्टी में स्थापित करने की उनके समर्थकों की मुहिम है। तो ऐसी सूरत में महापौर यानी उनके लिए डिमोशन की बात हो सकती है। तो अभी तक माया सिंह जी की बात सामने नहीं आई है और ना माया सिंह जी से किसी तरह से कोई ऐसी बात पार्टी या संगठन के किसी स्तर पे आला नेताओं ने की है। लेकिन अभी चूंकि नरेंद्र सिंह जी जिस तरह से देश के कृषि मंत्री हैं और अपने आप में उनकी एक से चलती है ग्वालियर चंबल के तमाम मामलों में संगठन से जुड़े मसलों पर, तो अभी जिस तरह से चुनाव एक तरफ है लेकिन किसान उनके लिए प्रमुख मुद्दा है। जिस तरह गृह मंत्री ने डायरेक्ट पंजाब का पूरा मामला अपने हाथों में लिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और नरेंद्र सिंह जी को बाकी यूनियन को साधने की जिम्मेदारी दी है, तो इस समय संगठन जो है वो अलग अलग टुकड़ियों पर जो किसान नेता यहाँ से निकल रहे चंबल से पूछ कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश है। ये कवायद है कि जो तीन जो कानून है उनको वापस लेना संभव नहीं है लेकिन संशोधन के स्तर पे पार्टी बात करने को तैयार है, आलाकमान बात करने को तैयार है। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 3 से 4 दिन के भीतर एक बैठक होगी जिसमें 40 नेताओं की जगह अब नेताओं का दल कम होगा, ऐसे संकेत शिव कुमार कक्का जी ने भी दिए हैं। जी मनीष जी, लेकिन सिंधिया कैंप से ग्वालियर में कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? मनीष देखिए अभी सिंधिया कैंप की जहां तक बात है तो सिंधिया कैंप को लेकर के कोई ऐसा नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि अभी जिस तरह की बात ये सामने आ रही थी कि जो नेता चुनाव हार गए थे जिसमें इमरती देवी महिलाओं में अगर हम बात करें, लेकिन चूंकि ये सामान्य से है तो इसमें अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के साथ जो पुरुष नेता बड़े स्तर पे आए हैं उनकी पत्नियों की पैरवी किस स्तर पे होती है। लेकिन बीजेपी में जरूर सोशल मीडिया में सक्रियता बढ़ गई है, यश शर्मा की पत्नी सुमन शर्मा सहित तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पति अपनी अपनी पत्नी मधु कुलवीर भारद्वाज एक है जिनका भी नाम उनके पति ने आगे बढ़ाया है। तो इस समय जो है पतियों के द्वारा अपनी अपनी पत्नियों को महापौर पद के लिए उत्कृष्ट साबित करने की मुहिम सोशल मीडिया में स्थानीय स्तर पर जारी है। जी बिल्कुल जी, मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रशिक्षण वर्ग इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और ऐसे में कार्यक्रम शुरू हो चुका है जहां तमाम यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होना था। That how can we promote startups in Madhya Pradesh and how can we take help of smaller companies that are operating here already? Now, use of technology for online and real. मासूमों की मौत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को आपको बता दें कि 2 और बच्चों की यहाँ मौत हो गई और ऐसे में मासूमों की मौत का आंकड़ा 23 पर पहुंच चुका है। जहां बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत का कारण फीडिंग के दौरान श्वास नली में दूध जाना बताया गया। इसके साथ ही दूसरी आपको बता दें कि जो बच्ची थी वो बुखार और सर्दी से पीड़ित बताई गई। जब तक परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते तब तक मासूम की सांसें थम चुके थे।
चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां शामिल हुए हैं। टीटी नगर में इस कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है, जहां आपको बताते चले कि प्रशिक्षणार्थियों के तौर पर शामिल हुए हैं, जहां नर्मदा भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और इसी दिन लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। गीत जिस तरह से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में मंडल स्तर पर साधनी के लगातार यहाँ पे प्रशिक्षण कोशिश की जा रही, प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है, कोशिश भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को साधने की जा रही है कि किस तरह से क्या कुछ वहां पर बीजेपी की जो विचारधारा है उसे आगे तक पहुंचाए। ये इस तरह का कार्यक्रम आगे जाकर कितना सफल हो सकता है? दोनों ही बातें आपकी सही हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा संदेश यह है कार्यकर्ताओं के बीच में कि स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आम कार्यकर्ता के तौर पर वहां बैठे हुए हैं प्रशिक्षण वर्ग में। ये संदेश, इसके पहले मैंने कहा था ना वीडी शर्मा भी बैठे थे, तो ये एक तो कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाने की बात है, दूसरा यह प्रशिक्षण वर्ग जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में आगे की रीति नीति की बात होती है, सांगठनिक तौर पर जो कार्य करने होते हैं वो बताया जाता है और उनको कैसा सामाजिक तौर पर आचरण रखना चाहिए, जनता के बीच में कैसे अपनी पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारे वर्ग में होता है, ये प्रशिक्षण के दौरान होता है ऋतु। लेकिन मंडल स्तर पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरते हैं? ये स्वाभाविक तौर से बहुत इसका लाभ मिलता है पार्टी को और इसी कारण जो है भाजपा को माना जाता है संगठन विस्तार का लेकर, कैडर बेस पार्टी का जो तमगा लगा हुआ है भाजपा को इसी कारण, क्योंकि वो अपने मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता पर पूरी सीधी नज़र रखती है और एक एक बड़े अधिकारी पदाधिकारी की नज़र मंडल के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष मंडल महामंत्री तक रहती है। ऋतु बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर खुद प्रशिक्षणार्थी के तौर पर शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है जहां मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की जो विचारधारा है उसके बारे में और आगे क्या कुछ यहां रीति नीति रहती है उसके बारे में यहां पर कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा। और लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर चर्चा भी हम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।